हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल ए बोर्ड सो वी हैव स्टार्टेड दिस फ्री करंट अफेयर्स रिविजन वी वे वी विल प्रोवाइड यू सेवन वीडियोज इन सेवन डेज वे वी विल कवर एट हंड्रेड प्लस करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके सारे बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बैंक इंश्योरेंस सारे मेन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लीज यहाँ पे चैनल सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है तो डू सब्सक्राइब द चैनल यहाँ पे यू कैन सी द आइकन और सब्सक्राइब तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डू इट द बेल आइकन क्योंकि आपको यहाँ से नोटिफिकेशन मिलेंगे लिंग सेंटर हैज बिन इनोग्रेटेड इन हाल ही में इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट करा गया सो so, वो इनोग्रेट करा गया उत्तराखंड में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो

उसकी इन्वेंशन से ही एसोसिएटेड थे याद रखने लोई ऑटेंस और, और, और ये कौन थे ये डच इंजीनियर थे ठीक है Recently, the center has decided to set up a national wildlife disease diagnostic research and referral center in which state? हाल ही में सेंटर ने डिसाइड करा है एक नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर को सेटअप करने का इनमें से किस स्टेट में सो दैट इज गुजरात ऑप्शन बी गुजरात में ठीक है नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर सो द सेंटर विल बी देंटर नेशनल डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर इन वेयर गुजरात द प्रपोजल इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर प्रोजेक्ट लाइन ड्राफ्टेड एंड कंसल्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो ये जो प्रपोजल है ये पार्ट है उस डॉक्यूमेंट का जो कि प्रोजेक्ट लाइन के लिए दिया गया था ड्राफ्ट करा गया था गुजरात गवर्नमेंट के कंसल्टेशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्रकाश जावेदकर वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है तो वो है प्रकाश जावेदकर नेशनल वैक्सीनेशन डे 2021 ट्वेंटी वन ऑब्जर्व ऑन नेशनल वैक्सीनेशन डे ट्वेंटी ट्वेंटी वन कब ऑब्जर्व करा जाता है सो इट इज ऑब्जर्व ऑन मार्च सिक्सटीन ऑप्शन बी सोलह मार्च को यह ऑब्जर्व करा जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे ट्वेंटी ट्वेंटी वन

द प्रोग्राम वर्क इफेक्टिवली एज इंडिया वॉज डिक्लेयर पोलियो फ्री बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ट्वेंटी फोर्टीन तो ये जो प्रोग्राम था पल्स पोलियो प्रोग्राम वो काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करा था क्योंकि इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था डब्लू एच ओ ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दो हज़ार चौदह में ट्वेंटी फोर्टीन में द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूसड इन नाइनटीन सेवेंटी एट और जो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था ये इंट्रोड्यूस करा गया था नाइनटीन सेवनटी एट में ठीक है तो ये याद रखना ये काफी सारे इसमें इंफॉर्मेशन है जो यूजफुल है, है और ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल वैक्सीनेशन डे को हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं नेम द फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री टू अचीव मलेरिया फ्री स्टेटस आपको पहला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बताना है जिसने मलेरिया फ्री स्टेटस अचीव कराया मतलब वो कंट्री नाउ इज टोटली मलेरिया फ्री नो वन इज हैविंग मलेरिया देयर ठीक है सो दैट इज एल सेल्विडोर ऑप्शन बी एल सेल्विडोर ठीक है ये कंट्री है जो कि मलेरिया फ्री स्टेटस जिसको मिला है लक्ष्मण पाई अ पद्म भूषण अवार्डी पास अवे रिसेंटली ही रिनोड लक्ष्मण पाई जो कि एक पद्म भूषण अवार्डी हैं उनकी हाल हाल ही में डेथ हो गई है तो आपको बताना वो इनमें से किससे एसोसिएटेड थे वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे सो ही वॉज अ रिनोन्ड पेंटर ऑप्शन सी पेंटर सो लक्ष्मण पाई रिनोन्ड गूषण अवार्डी पास अवे पास अवेट नाइंटी फाइव बॉर्न इन मरगाव गोवा ठीक है ये मरगाव गोवा में बॉर्न हुए थे 1926 में ही विद सेवरल उनको बहुत सारे प्रेस्टीजियस अवार्ड मिले हुए हैं जैसे कि पद्म भूषण पद्मश्री नेहरू अवार्ड ललित कला अकेडमी अवार्ड ये सब उनको मिले हुए हैं ही वॉज ऑल्सो द प्रिंसिपल एट द गो कॉलेज ऑफ आर्ट ये गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर याद रखना प्रमोद सावंत बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत क्वेश्चन आ सकता है लक्ष्मी पाई कहा से थे तो याद रखना ही इन गोवा गोवा ये गुणा से थे ठीक है अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एन एस जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम एन एस जी बोलते हैं शॉर्ट में उसके डीजी डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं तो वो है एम ए गणपति ऑप्शन ए एम ए गणपति तो पहला क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है सो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है मार्च ट्वेंटी 22 को 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है ठीक है सो इट इज ऑब्जर्वड ऑन ट्वेंटी 22nd ऑफ मार्च इट सेलिब्रेट्स वाटर एंड रेजेस अवेयरनेस ऑफ द ग्लोबल वाटर क्राइसिस आपको पता है कि ग्लोबली वाटर क्राइसिस है तो उसके बारे में अवेयरनेस को रेस करने के लिए दिन मनाया जाता है एंड अ कोर फोकस ऑफ द ऑब्जर्वेंस इज टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स का वो है वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाई ट्वेंटी कि जो वाटर और सैनिटेशन सभी के लिए 2030 तक बाई 2030 दिस इज इम्पोर्टेंट ये आ सकता है क्वेश्चन और अगर हम थीम की बात करें तो थीम है वर्ल्ड वाटर डे 2021 का इज वैल्यूइंग वाटर वैल्यूइंग वाटर इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2021 थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना वैल्यूइंग वाटर इजी है आराम सो so, ए ए करके आपको याद रहेगा थोड़ा सा विच स्टेट हैज लॉन्च सामर कैंपेन सामर कैंपेन टू फाइट मेल न्यूट्रिशन द स्टेट इनमें से कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है सामर कैंपेन कैंपेन Uh, जो स्टेट में माइन न्यूट्रिशन है उसको फाइट करने के लिए माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए सो दैट इज झारखंड सो द स्टेट इज झारखंड ऑप्शन डी लेट्स रीड अबाउट दिस सो झारखंड लॉसमर कैंपेन टू फाइट माल न्यूट्रिशन द स्टेट सो इट स्टैंड्स फॉर व्हाट इज द फुल फॉर्म दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन

ट्रैक करने के लिए सो नेक्स्ट इज विच स्टेट इज टू फर्स्ट इन द नेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब अंडर मनरेगा इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि पहली आई है नेशन में जॉब्स uh, को प्रोवाइड करने के लिए अंडर मनरेगा स्कीम इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 वन सो छत्तीसगढ़ ऑप्शन डी मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा ठीक है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म मार्चीज अवार्ड रिसेंटली इनमें से किसने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म मार्चीज अवार्ड जीता हाल ही में विच इज एफ आई ए एफ इन शॉर्ट सो वो है अमिताभ बच्चन तो बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ऑप्शन ई प्रधानमंत्री लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी उन्होंने लॉन्च करा जल शक्ति अभियान कैच द रेन करके कैंपेन वर्ल्ड वाटर डे पे जो अभी हमने पढ़ाई था ट्वेंटी सेकेंड मार्च को होता है ठीक है टिल वेन विल द कैंपेन बी इम्प्लीमेंटेड तो ये कैंपेन जो है ये कब तक इंप्लीमेंट करा जाएगा सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई टिल थर्टीएथ नवम्बर तीस नवम्बर तक ये कैंपेन इंप्लीमेंट करा जाएगा ठीक है इनोग्रेट एन एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी फैसिलिटी रिसेंटली तो कहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो कि हैं डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने इनोग्रेट करा एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कॉपी फैसिलिटी तो वो करा है ऑप्शन ए नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एन नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि आपका मोहाली में है मोहाली चंडीगढ़ में है ठीक है याद रखना क्वेश्चन स्टार्टिंग में सिंपल आ सकता है कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर है एन ए बी आई कहा है तो याद रखना इन मोहाली चंडीगढ़ नेक्स्ट देखो विच बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज टू सिक्स परसेंट करंटली फ्रॉम सिक्सटी परसेंट ड्यूरिंग प्री कोविड पीरियड ठीक है तो इनमें से कौन से बैंक के डिजिटल ट्रांजेक्शन है जो कि 60 परसेंट थे पहले अब वो सिक्सटीन हो सेवन परसेंट यानी कि 7 परसेंट इंक्रीज कर गए हैं ड्यूरिंग प्री कोविड पीरियड सो दैट इज एस बैंक ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में देखो सो so, एस बी आई डिजिटल ट्रांजेक्शन बेंड अप टू सेवन परसेंट फ्रॉम प्री कोविड पीरियड प्री कोविड पीरियड से सात परसेंट इंक्रीज हो गया है

विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज एसोसिएटेड विद के के वेन्यूगोपाल तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है के के गोपाल का टर्म कितने साल के लिए एक साल और एक्सटेंड कर दिया यानी कि जो टर्म है वो एक साल और एक्सटेंड होकर थर्टिया जून 2022 2022 तक का हो चुका है तो आपको बताना है कि जो के के गोपाल हैं वो किस डेजिगनेशन पर हैं अटॉर्निटी जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी सेबी चेयरमैन और एल चेयरमैन

ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में सो द आंसर इज 20, यानी कि जो इंडिया का रैंक है वो है 20, किसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 का ठीक है सो इंडिया स्टैंड ट्वेंटी एट द स्प टॉप हंड्रेड कंट्रीज दैट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स बाय स्टार्टअप ब्लिंक तो ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स दी गई है ये दी है स्टार्टअप ब्लिंक ने याद रखना और इंडिया की रैंक ट्वेंटी है और ये आ, अमंग द टॉप हंड्रेड कंट्रीज ठीक है

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूके यूनाइटेड किंगडम एंड इजराइल दीज आर द टॉप थ्री कंट्रीज यूएस यूके एंड इसराइल इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे ठीक है आपको बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव हर साल कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है हर साल फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई तो दे इज नो फिक्स डेट जो भी जुलाई का पहला सैटरडे होगा उस दिन ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव ठीक है सो जस्ट डोन्ट गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग so international day of cooperatives is celebrated on the first saturday of july every year the aim is to increase awareness on cooperatives and promote the movement successes and ideals of international solidarity economic efficiency equality and world peace so your main aim is to increase awareness on cooperatives or promote have movement successes and ideals of इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इक्वेलिटी एंड वर्ल्ड पीस और टू ट्वेंटी ट्वेंटी दो थीम आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट वो है रीबिल्ड बेटर टूगेदर ठीक है दिस इज द थीम रीबिल्ड बेटर टूगेदर ठीक है सो so, गए मान के चलिए कि एग्जाम में एक डेज पे क्वेश्चन आ जाता है ठीक है uh, या तो डे पूछ लेंगे कि ये दिन कब बनता है या तो ऐसे आ जाता है या फिर थीम मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा और हो सकता है दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं

Uh, एक टाइप से एग्री uh, कर दिया गया है एक टाइप से uh, मतलब उसको uh, अ, मतलब परमिशन मिल गई है इंडिया में यूज करने के लिए इमरजेंसी यूज के लिए सो दैट इज मॉडर्ना, ऑप्शन ए मॉडर्ना जो आपकी यूएस की वैक्सीन है राइट फाइजर मॉडर्ना दे बोथ है यूएस वैक्सीन ठीक है और जैब uh, का मतलब होता है डोज ठीक है वैक्सीन शॉट दैट इज कॉल्ड जैब डोज मिलना वैक्सीन का पहला क्वेश्चन व्हाट इज थीम ऑफ ट्वेंटी डे का आपको थीम बताना है सो दैट इज द क्लॉक इज टिक थी ट्यूबर टिकिंग तो ये कब होता है पहले तो ये देख लो ये ट्वेंटी ऑफ मार्च को होता है टी डे जो ट्यूबर कलॉसिस डे है जिसको शॉर्ट फिल्म टी बोलते हैं चौबीस मार्च को होता है द डे मार्क्स द डे इन एटीन एटी टू वैन डॉक्टर रॉबर्ट कॉश अनाउंस डेट ही हैड है बैक्टीरियम डेट कॉजिस टी बी तो ये जो डे है वो मार्क करता है उस डे को एटीन एटी टू में जब डॉक्टर रॉबर्ट कॉश ने बताया था कि उन्होंने एक बैक्टीरियम डिस्कवर करा है जो कि टीबी को ट्यूबर कलॉसिस को कॉज करता है ठीक है मतलब क्या कॉज है टीबी का वो बैक्टीरियम उन्होंने डिस्कवर करा है विद विच नेशन पब्लिक सर्विस कमीशन डेड यू पी एस सी साइन एन एम ओ यू रिसेंटली इनमें से किस नेशन की पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ यू पी एस सी ने एम ओ यू साइन कराई यू पी एस सी आपको पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कनेक्शन कमीशन ठीक है दिस इज यू पी एस सी तो वो है अफगानिस्तान ऑप्शन ए तो वो जो नेशन है वो है अफगानिस्तान वे वो शहीद भगत सिंह स्मारक इनोग्रेटेड बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक रिसेंटली सो so, रमेश पोखरियाल जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहाँ पे शहीद भगत सिंह स्मारक इनोग्रेट करा है? तो दैट इज न्यू डेली ऑप्शन ए न्यू डेली में एडम जेगरबॉस्की

सी जोलॉटी और जो कैपिटल है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज एंटर इंटू पार्टनरशिप विद डेनमार्क टू सपोर्ट जल जीवन मिशन इन विच स्टेट इन इंडिया सो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज उसने पार्टनरशिप की है डेनमार्क के साथ जल जीवन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया की किस स्टेट में in which state in India. So that is UP. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इज आनंदी बेन पटेल सो द जल शक्ति मिनिस्ट्री एंटर्ड पार्टनरशिप विद सर्विसेज जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म भी आ रखते हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप की है इसके साथ एंड द गवर्मेंट ऑफ डेनमार्क और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क ने टू हेल्प ब्रिंग टेन वाटर कनेक्शन टू इलेवन वाटर स्का इन उत्तर प्रदेश वाटर स्टाफ बुंदेलखंड एंड विद्या रीजन अंडर द जल जीवन मिशन तो पे ये करा है वाटर कनेक्शन टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए टू तो लेवन वाटर पे वाटर वाटर डिस्ट्रिक्ट है पे की कमी है यूपी के ठीक है तो वो कौन कौन से बुंदेलखंड एंड विंध्या रीजन में ठीक है अंडर जल जीवन मिशन याद रखना बुंदेलखंड जो कि आपके यूपी में आते हैं और विंध्या जो भी आपका ये यूपी में आते हैं तो इससे भी ये आपको क्वेश्चन इस तरीके का देखने को मिल सकता है नाउ नेक्स्ट इज़

जापान का करेंसी सॉरी कैपिटल याद रखना जापान कैपिटल इज टोक्यो और जापान की करेंसी इज जैपनीजन वाई ई एन दिस इज जापान करेंसी जैपानीज यन वे डिड इसरो मेक इट्स ब्रेक ट्रू डेमोन्स्ट्रेशन और फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थ्री हंड्रेड मीटर रिसेंटली तो इसरो ने दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ब्रेक ट्रू डेमोन्स्ट्रेशन बनाया और फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तक ओवर थ्री हंड्रेड मीटर रिसेंटली सो दैट इज अहमदाबाद ऑप्शन ई अहमदाबाद विच इज इन गुजरात इसरो का हेडक्वार्टर याद रखना है इट इज इन बेंगलुरु ज इन लॉन्च विच ऑफ दिए मार्क्साइवर्स इंडिपेंडेंस को मार्क करने के लिए इंडिया के इंडिपेंडेंस को जो की आपका फिफ्टींथ ऑगस्ट को मनाया जाता है तो पीएम मोदी ने कौन सा इनिशियेटिव इनमें से लॉन्च करा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सो दैट इज अमृत महोत्सव ऑप्शन सी अमृत महोत्सव सो पी एम मोदी एज लॉन्च आजादी का अमृत महोत्सव ठीक है तो पूरा जो नाम है वो है आजादी का अमृत महोत्सव

नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम नीट बोलते हैं शॉर्ट में इट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो ये कंडक्ट होगा एनटीए के थ्रू बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो आपको बताना है इन इंडिया in तो एनटीए कब इस्टिश हुआ था इंडिया में सो एनटीए वाज एज इन 2017 2017 ऑप्शन ई तो 2017 में एनटीए टी हुआ था ठीक है सो नीट विल बी कंडेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट दिस ईयर तो इस साल अगर बात करें तो नीट कंडक्ट होगा फर्स्ट ऑगस्ट को नीट यू जी ट्वेंटी ट्वेंटीड इन इलेवन लैंग्वेजेस ग्यारह लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा एज पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हिसाब से जो कि कंडक्ट करेगी नीट को वो ग्यारह लैंग्वेजेज में कंडक्ट करेगी ठीक है एजेंसी एडवाइज द कैंडिडेट्स टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन एंड एन टी ए स्टेबुलशन ट्वेंटी सेवनटीन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर हायर एजुकेशन

सो so, आपका बेसिकली बी क्या है बी सी इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और फिक्की आपको पता ही है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है दैट इज फिक्की वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट यू हैव टू नेम हिम हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन सो वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट का आपको नाम बताना है जिनको हाल ही में अपॉइंट करा गया है एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन तो वो है दीपक मिश्रा ऑप्शन ए उनका नाम है दीपक मिश्रा नेक्स्ट देखो एस श्रीमती अज्यूम चार्जेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर लंडन इंडियन ओवरसीज बैंक सो एच श्रीमती जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है ईडी बनी है पीएसबी की जो है इंडियन ओवरसीज बैंक की आईओबी का हेड क्वार्टर आपको बताना है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है सो इट इज इन चेन्नई तमिलनाडु ऑप्शन बी तो इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक इन दोनों के ही हेडक्वार्टर चेन्नई में है ठीक है वो अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर टेक्स द एडिशनल चार्ज एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ब्रांड न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन इनमें से कौन से मिनिस्टर है जिन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है एडिशनल चार्ज एज यूनियन मिनिस्टर ऑफ द ब्रांड न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो ब्रांड न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन है उसका सो द आंसर है अमित शाह ऑप्शन ए तो वो है अमित शाह विच अमंग द फॉइंग एज रिसेंटली लॉन्च पोस्ट पेड मिनी टू प्रोवाइड स्मॉल टिकट इंसटेंट लोन्न में से कौन किसने लॉन्च कराए हाल ही में पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए सो द आंसर इज पेपाल सॉरी पेटीएम नॉट पेपाल आई एम सो सॉरी पेटीएम ने कराया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है पोस्ट पेड मिनी ठीक है स्मॉल टिकट इंस्टेंट लोन्स के लिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली लॉन्च फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट ऑपरेशन प्रवाह ठीक है इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसने हाल ही में लॉन्च करा है फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑपरेशन प्रवाह तो आंसर इज कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑप्शन ई जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सी आई ए एल जिसको शॉर्ट में सी आई ए एल भी बोला जाएगा ठीक है जो कि के केरला में है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ठीक है सो ऑपरेशन प्रवाह करके है फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट मिटिगेशन का मतलब है फ्लड को रोकना मिटिगेट करना ठीक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रिसेंटली अनाउंस डेट हु इंडिया फ्लैग बियर एट टोक्यो जो टोक्यो ओलंपिक्स होगा विच विल हेल्ड इन जापान टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसके नाम अनाउंस करे हैं हाल ही में जो कि इंडिया के लिए फ्लैग बियरर बनेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में दे विल बी फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन टोक्यो एट टोक्यो ओलंपिक्स सो आंसर इज ऑप्शन ए एम सी मेरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एम सी मेरी कॉम जो है वो किस स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है और मनप्रीत सिंह जो है मतलब ऐसे भी आ सकते हैं कि फ्लैग बियर कौन बनेंगे तो याद रखना एक तो एम सी मेरी कॉम है एक है मनप्रीत सिंह एम सी मेरीकॉम तो आप लोगों ने सुनी होगी प्लस वी हैव अ मूवी ऑन मैरी कॉम राइट तो क्वेश्चन आ सकता है कि एम सी मेरी कॉम जो है वो किस स्पोर्ट्स एसोसिएटेड है तो याद रखिएगा हॉकी सॉरी बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है एम सी मेरीकॉम और मनप्रीत सिंह किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है तो याद रखिएगा हॉकी से ठीक है इस पे एक क्वेश्चन एम में रिकॉम यहाँ पर है तो की जब भी आते हैं तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी ट्रॉफी कौन सा अवार्ड जो है वो इस स्पोर्ट से हॉकी से एसोसिएटेड है कब कौन सा कप स्पोर्ट्स हॉकी से एसोसिएटेड इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि जो मेरी कॉम है मेरी कॉम पे एक मूवी बनी है तो उसमें ये आ सकता है कि उसमें लीड रोल किसने करा था कि उसने मेरी कॉम की भूमिका निभाई थी तो वो है प्रियंका चोपड़ा ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएमआरसी एम आर सी लॉन्च इंडिया फर्स्ट फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी एट विच मेट्रो स्टेशन डीएमआरसी एम विच इज डेली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ठीक है डीएमआरसी का फुल फॉर्म है डेली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन तो डेली डीएमआरसी ने लॉन्च करा इंडिया का पहला फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी फास्टैग बेस्ड मतलब कैशलेस बेसिकली कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी कहाँ पे तो वो करिए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे ऑप्शन ई में से जो लोग दिल्ली में है या बहुत बार दिल्ली विजिट करा होगा तो उन्होंने ये मेट्रो स्टेशन के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना होगा बहुत फेमस है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तो क्वेश्चन यहाँ पे गए ये भी आ सकता है कि जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है वो कहाँ पर है तो याद रखना इट इज इन डेली ठीक है तो इस तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है सो फर्स्ट क्वेश्चन

आपको जिनकी हाल ही में हो गई है, वो इनमें से किस को करते थे? अर्जेंटीना ऑप्शन सी अर्जेंटीना अर्जेंटीना का कैपिटल और करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकता है ठीक तो है तो अर्जेंटीना के कैपिटल है ब्यूनोस एरिस और करेंसी है अर्जेंटीना पीसो ठीक है तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कैपिटल एंड करेंसी बोथ ठीक है नेक्स्ट देखो इसमें कि ही वॉज एन अर्जेंटे अर्जेंटीन लॉयर ये लॉयर थे एंड ही सर्व एज द फोर्टी फोर्थ प्रेसिडेंट और इन्होंने फोर्टी फोर्थ प्रेसिडेंट भी सर्व करा है अर्जेंटीना का फ्रॉम नाइनटीन एटी नाइन टू नाइनटीन नाइनटी नाइन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता है ठीक है कि वो किस चीज से एसोसिएटेड थे और उन्होंने कौन से प्रेसिडेंट वो सर्व करे थे तो याद रखना फोर्टी फोर्थ प्रेसिडेंट ठीक है

ज द प्रेसिडेंट ऑफ द जेनेवा बेस्ड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ठीक है यू एन एच आर सी के जो की जेनेवा बेस्ड है मतलब इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में उसके आपको प्रेसिडेंट बताने कौन है तो वो है नजहर शमीम ऑप्शन सी नजहट शमीम यस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्सल मित्तर निपॉन स्टील साइंटर डील विद ओडिशा गवर्नमेंट टू सेटअप स्टील प्लांट

विद उड़ीसा गवर्नमेंट सेटअप स्टील प्लान, इट इज टू सेटअप अ 12 मिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लान इन केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट तो उड़ीसा के केंद्रपरा डिस्ट्रिक्ट में ये प्लान सेटअप होगा जो कि होगा आपका 12 मिलियन टन का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट याद रखना 12 मिलियन टन का ठीक है दिस कम्स एट अ टाइम वन द यूनियन गवर्नमेंट इज लुकिंग टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स एज हाउसिंग रोड्स पोर्ट्स एंड रेलवे तो ये जो डील हुई थी ये तब उस टाइम पे आया था जब यूनियन गवर्नमेंट था वो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना चाह रहा था उन सेक्टर्स में जैसे कि हाउसिंग हो गए रोड्स हो गए पोर्ट्स हो गए रेलवेज हो गए तब ये आया था ठीक है नेक्स्ट देखो विच स्टेट इनग्रेटेड अ वर्ल्ड स्किल सेंटर सेटअप एट अ बजट ऑफ नियरली वन थर्टी वन थ्री फोर टू पॉइंट टू करोड़ ठीक है तो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने इनोग्रेट कराए एक वर्ल्ड स्किल सेंटर जो सेट कि सेटअप करा गया है कितने बजट पे नियरली ठीक है वन थ्री फोर टू पॉइंट टू करोड़ सो दैट इज ओडिशा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इज ओडिशा विच इज स्टेट the द लैंड रिकॉर्डिटाइजेशन फॉर द सेकेंड ईर इन रो एज पर एनसीएर लैंड ठीक है इनमें से कौन सी स्टेट ने टॉप करा है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन सेकेंड ईयर इन अ रो मतलब दो साल लगातार ठीक है एस पर एनसीएर एन सी ए आर की लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स के हिसाब से सो दैट इज मध्य प्रदेश एम पी ऑप्शन ए एम पी इज द करेक्ट आंसर एनसीआर का वो आएगा की एनसीएर ट्रेन इंडियन रेलवे मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम फर्स्ट सच इन इंडिया रिसेंटली इनमें से कौन से सिटी की लोकल ट्रेन में इंडियन रेलवे ने कमीशन कराया है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम और ये पहली बार हुआ है ऐसा कुछ इंडिया में तो दैट इज मुंबई ऑप्शन डी वैसे भी जब लोकल्स का नाम आता है तो आपके दिमाग में मुंबई लोकल्स ही आती है लोकल ट्रेन में मुंबई लोकल्स है फेमस ठीक तो उससे याद रखना मुंबई ठीक है रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुल्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डॉक्टर रैमजेट टेक्नोलॉजी इनेबलिंग डीआरडीओ टू डेवलप लॉन्ग रेंज मिसाइल रिसेंटली डीआरडीओ ने सक्सेसफुल्डक्ट करा एक फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी जो की इनेबल रहा है डीआरडीओ को एक लॉन्ग रेंज कौन सी मिसाइल बनाने के लिए सो दट इज एयर टू एयर ऑप्शन सी लॉन्ग रेज एयर टू एयर मिसाइल ठीक है डीआरडीओ इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिस इज द डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट देखो

वीडियो फैसिलिटी यानी की केवासी इज नो योर कस्टमर ठीक है के फॉर नो वाई फॉर योर एंड सी फॉर कस्टमर नो योर कस्टमर इज के वाई सी नेक्स्ट थ्री डे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड इन वॉर प्लेस एक थ्री डे तीन दिन की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी किस प्लेस पे हुई थी सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात ऑप्शन बी गुजरात में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस थ्री डे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस

नेक्स्ट इज एन पी सी आई पार्टनर विदोइ टू लॉन्च रुपे सी ओ एस सोल्यूशन रिसेंटली एनपीसीआई नॉन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पार्टनर करा इनमें से किसके साथ रुपे सॉफ्ट पीओ एस सोल्यूशन को लॉन्च करने के लिए ठीक है सो दैट इज एस बी आई पेमेंट्स ऑप्शन डी एनपीसीआई ने एस बी आई पेमेंट्स के साथ करा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एनपीसीआई का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई सो टाइड अप विद एस बी आई पेमेंट्स टू लॉन्च रुपे पीयूएस रुपे सॉफ्ट पीओ एस सोल्यूशन रुपे सॉफ्ट पी ओएस सोलूशन टर्मस एन एफ सी नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड स्मार्टफोन्स इन टू पीयूएस टर्मिनल फॉर रिटेलर्स तो ये क्या करेंगे ये एन एफ सी जो की नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड स्मार्टफोन है उनको पीओ एस टर्मिनल्स में चेंज कर देंगे फॉर रिटेलर्स विद दिस मर्चेंट विल बी एबल टू एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट ऑफ अपू फाइव थाउजेंड थ्रू अ सिल टैप एंड पे मेनिजम ऑन द स्मार्टफोन तो इससे क्या होगा कि जो रिटेल कस्टमर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट जो पेमेंट होगा फाइव थाउजेंड तक का अपटू फाइव थाउजेंड तक का मतलब मैक्सिमम लिमिट है पांच हजार की सिंपल टैप एंड पे मैकेनिज्म ऑन मैकेजमेर स्मार्टफोन है नेक्स्ट देखो विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी एज इट एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इनमें से कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में अपॉइंट करा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जो है अशोक गुलाटी अपना एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो है कोटेक महिंद्रा बैंक ऑप्शन ई e. कोटेक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना इट इज इन मुंबई ठीक है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में नेक्स्ट देखो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एन बी एफ सी डिड येस बैंक साइन अ स्ट्रैटेजिक को लैंडिंग पैक्ट फॉर रिटेल होम लोन्स रिसेंटली इनमें से कौन किसके साथ ठीक है किसके साथ एन बी एफ सी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने यस बैंक के साथ एक डील साइन की है अ स्ट्रैटेजिक को लैंडिंग पैक्ट साइन करा है बेसिकली रिटेल होम लोन्स के लिए तो दैट इज एच डी एफ सी हाउसिंग फाइनेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एच डी एफ सी हाउसिंग फाइनेंस के साथ करा है ठीक है याद रखना एनबीएफसी है एच डी हाउसिंग फाइनेंस जो है एच डी एफ सी हाउसिंग फाइनेंस दिस इज एन एन बी एफ सी क्वेश्चन ऐसे भी करके आ सकता है विच इज एन एनबीएफसी और विच इज नॉट एन एनबीएफसी ठीक है एनबीएफसी इज नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच फिल्म the Best Feature Film Award at the 67th National Film Awards announced for the year 2019? ठीक है

पार्टिसिपेट इन लाइव क्विज सेशन लेकर आने वाले हैं लेटेस्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे वे यू कैन फाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे यू कैन पार्टिसिपेट इन द लाइव क्विज ठीक है सो जस्ट वेट एंड वॉच यू विल मतलब आपको उसके बारे में जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सो सिक्सटी सेवेंथ अनाउंस करे गए मलयालम वॉर एपिक दिस इज मलयालम वॉर एपिक मराकर लाइन ऑफ द अरेबियंस जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला बेस्ट एक्टिंग ऑनर्स जो मिला है वो मिला है मनोज वाजपेयी को फॉर भोंसले भोंसले करके एक फिल्म है उसको धनुष को मिला है फॉर तमिल फिल्म असुरन आसुर, के लिए और कंगना रनौत को फॉर टू ऑफर फिल्म जो कि है पंगा और मनी करने का ठीक है बेस्ट एक्टिंग ऑनर्स में कंगना रनौत को मिले दो में दो फिल्म्स के लिए पंगा और मनी करना के लिए ठीक है मना मनी करने का के लिए सॉरी ठीक है देन विजय सेतुपति उनको मिला है सुपर डिलक्स और पल्लवी जोशी ताशकिन फिल्म के लिए सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड ठीक है ये सब याद रखना ठीक है वेल डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है भत्तर होरेन के लिए फॉर भत्तर होरेन के लिए और सिक्किम वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाएगा देखो जनरली जो इंपॉर्टेंट है वो बेस्ट एक्टिंग ऑनर्स में आ जाते हैं मेल और फीमेल एक्टर मेल एंड फीमेल में ठीक है देन यहाँ पे आपने डायरेक्टर के लिए आ जाता है डायरेक्टर के लिए कैसे मिला तो डायरेक्टर के लिए आप देख ही लीजिए बताई दिया है ठीक है और ये आ सकता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसे मिला है तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट सिक्किम नेक्स्ट हु वन द गांधी पीस प्राइस फॉर द ईयर 2019 गांधी पीस प्राइस 2019 2019 के लिए किससे मिला तो वो मिला है कबूस बिन सैयद अल सईद कबूस बिन सैयद अल सईद को मिला है गांधी पीस प्राइज 2019 का नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेट डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने इंडिया का पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल डेवलप करा दैट इज एफ तो वो है यूपी उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी

टी एन मनोहरन बी महापत्र हेमंत जी कॉन्ट्रेक्टर एंड श्यामल गोपीनाथ ठीक है जिसमें श्यामल गोपीनाथ जो है वो हेड करेंगे इस पैनल को नेक्स्ट व्हाट द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2021 का आपको थीम बताना है कि क्या है व्हाट इज द थीम सो द थीम इज ऑप्शन डी द ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर दिस इज द थीम ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डेज सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च एवरी ईयर सो ये ट्वेंटी थर्ड मार्च को बनाया जाता है हर साल टू कॉमेट देशमेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिसनटीन फिफ्टी तो बेसिकली क्यों क्योंकि इसी दिन पे यानी कि ट्वेंटी थर्ड मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ स्टैब्लिश हुई थी याद रखनाब्लिश हुई थी इसी दिन को ट्वेंटी थर्ड मार्च को तो इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 2021 का थीम याद रखना ओशियन आर क्लाइमेट एंड वेदर मुझे डब्ल्यू एम ओ का वो बताना कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है इज द्वारोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये मुझे कॉमेंट्स में बताना पहला क्वेश्चन लेफ्टिनेंट जनरल वेक पिंटो वे पिंटो रिटायर्ड

So के लिए बात की गई है पोस्ट पैंडेमिक एरा में ठीक है थीम वॉज इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा ठीक है तो थीम इसका याद रखना थीम इज इम्पोर्टेंट इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा The summit witnessed several highlights which included agreements amongst the varied partners to meet the needs of a new India via digital technology innovation scale up model. So basically आपको इसमें यह याद रखना है कि किसने address करा तो वो करा Dr. हर्षवर्धन ने और आपको theme याद रखना है तो वो याद रखना Indian health system expansion in post COVID era. तो इसमें ये दो चीज याद रखना और ये तो पता ही है edition सेवेंथ

एंड वन द डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर और इनको डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर भी मिल चुका है book, Low, 2020. तो इनकी जो मोस्ट रिसेंट बुक है लो जो की रिलीज हुई दो हजार बीस में तो याद रखना है इनकी तीनों बुक के नाम नेम्स ऑफ द वेमेन ठीक है नार्कोपोलिस एंड लो ठीक है इन तीनों बुक को याद रखना क्योंकि पूछ लिया जा सकता है

फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी पास रिसेंटली मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी के जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताने की वो कौन है जिनकी डेथ हुई है हाल ही में ठीक है सो वो है अनिल धारकर ऑप्शन ए सो so, द पर्सनैलिटी इज अनिल धारकर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च ई सर्विस फ्रॉम लाहौल स्पिटी डिस्ट्रिक्ट फॉर द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने लॉन्च कराई है ई सर्विस लाहौल स्पिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने स्पिटी वैली सुनी होगी ठीक है तो वो है हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन सी स्पिटी वैली इज वेरी फेमस इट इज इन हिमाचल प्रदेश तो उससे याद रखना लाहौल स्पिटी डिस्ट्रिक्ट के लिए नाउ वॉट इज इट तो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ही वर्चुअली लॉन्च फोर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज फॉर हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पिटी डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किए हैं चार इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च द सर्विसेज तो वो जो सर्विसेज चार सर्विसेज लॉन्च किए वो क्या क्या है ई ऑफिस ई हेली ई आगमन एंड ई लाहौल नाम याद रखना ई ऑफिस ई हेली ई आगमन ई लाहौल ठीक है ये चार सर्विसेज लॉन्च की है द सर्विसेज मल्टी लिंग्वल जो सर्विसेज हैं ये मल्टी है एंड ईजी टू यूज एंड एक्सेस ऑन बोथ मोबाइल्स एंड वेब और इनको ईजिली मोबाइल और वेब दोनों पे ही एक्सेस और यूज कर सकते हैं ईजीली हिमाचल प्रदेश के गवर्नर याद रखना वो है बंदारू दत्ता तेरिया ठीक है जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंदारू दत्ता तेरिया चार सर्विसेज लॉन्च किए चार इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज उनके नाम याद रखना ई ऑफिस ई हेली ई आगमन एंड ई लाहौल विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ज्वाइंट विथ एचपीसीट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड टू लॉन्च को ब्रांडेड कंटेक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एच यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ टाइप करा है Co रुपे uh, को ब्रांडेड कॉन्टेक्ट लेस रूप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए सो दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सो वी हे थ्री बैंक विद एल्फाबेट यू एक हो गया यूनियन एक है यूको और तीसरा यूनाइटेड तो मुझे तीनों के वो बताना ठीक है इतना मुझे पता है कि एक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है दो का मुंबई में है आई गेस ठीक है तो कोलकाता और मुंबई में में हेडक्वार्टर है इनके तो आप बताना किसका कहाँ पर है यूनियन यूनाइटेड एंड यूको बैंक एस का वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मुंबई आई मुंबई आईसीआईसीआई मुंबई एक्सेस ऑल्सो मुंबई और नेक्स्ट विच बैंक ऑट एक्सेस टू आई आई एफ एल सिक्योरिटीज डी मेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सोल्यूशन फॉर देर कैपिटल मार्केट नीड्स इनमें से कौन सा बैंक है जिसको एक्सेस मिल गया है आई आई एफ एल सिक्योरिटी डी मेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सोल्यूशन का मार्केट नीड्स के लिए फॉर देयर कैपिटल मार्केट नीड्स सो दैट इज कर्नाटका बैंक ऑप्शन ए तो वो है कर्नाटका बैंक कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर याद रखना मैंगलोरु मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है ऑलरेडी डिस्कस इन सबका मुंबई में so, सारा उससे रिलेटेडेंट फॉर यू इंटरव्यू और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो so, पहला क्वेश्चन देखो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी वॉज बनाना फेस्टिवल है रिसेंटली तो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाना फेस्टिवल हुआ अभी हाल ही में सो देट टुक प्लेस इन कुशीनगर तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये बनाना फेस्टिवल जो की है यूपी में सो अर्लियर दिस मंथ काला नमक राइस फेस्टिवल इन सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर हेल्ड एंड बिफोर दैट स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन झांसी एंड जैगरी फेस्टिवल इन लखनऊ वॉर हेल्ड तो ये याद रखना कि बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में काला नमक फेस्टिवल हुआ था जो कि सिद्धार्थ नगर में हुआ था जो यूपी में ही है ठीक है फिर एक उससे पहले स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ था जो कि झांसी में हुआ था और फिर एक जैगरी फेस्टिवल हुआ था जो कि लखनऊ में हुआ था जैगरी को हम हिंदी में बोलते हैं गुड़ ठीक है

अवार्ड वॉज गिवन एंड रिकॉग्नेशन ऑफ एच डी एफ सी बैंक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज बिजनेस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर तो जो एच डी एफ सी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करा है अपने मीडियम साइज बिजनेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन का उसके बेसिस पे ये अवार्ड मिला है ठीक है नेक्स्ट एशिया मनी इज अ हांगकॉन्ग बेस्ड फाइनेंशियल मैगजीन ये पूछ लिया जा सकता है कि एशिया मनी क्या है तो ये याद रखना ये एक फाइनेंशियल मैगजीन है जो की हांगकॉन्ग बेस्ड है इट इज हॉन्गकाग बेस्ड फाइनेंशियल मैगजीन

नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर तो ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर जो कि नीति आयोग की रिपोर्ट आयो है इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रीच हाउ मच इन 2022 इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो कितना रीच कर जाएगा इज एक्सपेक्टेड टू रीच हाउ मच इन ट्वेंटी ट्वेंटी में सो दैट इज थ्री बिलियन यू एस डॉलर ऑप्शन डी थ्री बिलियन यू एस डॉलर सो नेक्स्ट इज इज द पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेशी काउंटर पार्ट शेख हसीना कनेक्टिंग ढाका एंड न्यू जल पेगुरी तो आपको बताना है इनमें से क्या नाम है उस पैसेंजर ट्रेन का जो कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उन्होंने इनोग्रेट की है और उनके बांग्लादेशी काउंटर पार्ट जो कि शेख हसीना उन दोनों ने मिलकर इनगरेट की है जो कि कनेक्ट करेगी ढाका विच इज दैपिटल ऑफ बांग्लादेश याद रखना ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश और न्यू जल पैगुरी को ठीक है तो उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस ऑप्शन सी मिताली एक्सप्रेस याद रखना ये एक पैसेंजर ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन और ये कनेक्ट किस किस को करेगी ये याद रखना ढाका जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की और न्यू जल पैगुरी को ठीक है मिताली एक्सप्रेस नेक्स्ट देखो वेडेड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक इनोग अंडमान द सेंटर फॉर हैप्पीनेस रिसेंटली तो यहाँ पे मतलब कहाँ पे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो कि रमेश पोखरियाल है उन्होंने इनोग्रेट करा अंडमान द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहाँ पे ये इनोग्रेट करा तो वो करा आई आई एम जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में इसको इनोग्रेट करा याद रखना यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने So, next is in which state a residential hockey center of excellence is to come up? In which state, mein, residential hockey center of excellence up? in which state it will come up? So, it will come up in UP that is Uttar Pradesh. Option B is the correct answer UP. Now, next is हु वन द बेस्ट एक्टर मे अवार्ड एट दिक्कटी सिक्स फिल्म फेयर अवार्ड अभी हाल ही में आपके फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे जिसका एडिशन याद रखना सिक्सटी सिक्स एडिशन हुआ फिल्म फेयर अवार्ड का गैस जितने भी अवार्ड हुए ना नेशनल ग्रामी अवार्ड्स पद्मश्री वगैरह ग्रामी नेशनल और अभी आपका फिल्म फेयर हो गया तो इन सब के एडिशन याद रखना कि कौन कौन से एडिशन हुए हैं बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट तो आपको बेस्ट एक्टर बताना है मेल में जिसको ये अवॉर्ड मिला है तो वो है इरफान खान ऑप्शन ए

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंसल तो उज्जीवन स्मॉल की है जिसमें विद एलिंग एलिंक करके एप है उसके थ्रू सो दैट इज एन स्टोर ऑप्शन ए इसके बारे में देखो सो बैंगलोर बेस्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में उनको डिजिटाइज करने के लिए बेसिकली उनको ऑनलाइन वो अपना सामान बेच सकते हैं सो अंडर दिस पार्टनरशिप द लैंडर विल ऑफर अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड लिंक टू इट्स करंट अकाउंट होल्डर्स ओन लोकल बिजनेस एंड लिंक एप के थ्रू ये होगा सो विद दिस न्यू एप्लीकेशन द मर्चेंट कैन सेल द मर्चेंटाइज ऑनलाइन तो इस नई एप्लीकेशन के थ्रू मर्चेंट जो है वो अपनी मर्चेंटाइज को ऑनलाइन बेच सकते हैं ठीक है

याद रखता आयुर्वेद पर आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा है विनोबा सेवा परिस्थान के साथ कोलेबरेट करके नेक्स्ट देखो इन फर्स्ट विच आर द टू प्लेसेस इन बिहार दैट आर सेट टू बी ग्रीन एनर्जी टाउन्स इन इंडिया कौन सी दो जगह है बिहार में याद रखना बिहार में जो कि ग्रीन एनर्जी टाउन्स बनेंगे दैट आर सेट टू बी ग्रीन एनर्जी टाउन्स इन इंडिया तो वो है राजगिर एंड बोध गया, बोध गया। ठीक है राजगीर एंड बोध गया ठीक है ये दो जगह है याद रखना ये दोनों जगह बिहार में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजगीर इज सेक्ट टू बी ग्रीन एनर्जी टाउन इन इंडिया ये कहां पर है तो याद रखना इट बिहार एंड सेम विद विच एयरपोर्ट बिकेम फर्स्ट इन साउथ इंडिया टू हैव ऑपरेशनल पेरलर रनवेज रनवेज क्योंकि इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि पहला एयरपोर्ट बन गया है साउथ इंडिया में जिसमें होगा ऑपरेशनल पेरलर रनवेज सो दैट इज बेंगलुरु बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट बेंगलुरु में इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसको हम शॉर्ट में के आई ए एल भी बोलते हैं जिसको बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और इसका नाम है कैंपी गौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में ठीक है वट इज द नेम ऑफ द लो कॉस्ट वायरलेस प्रोडक्ट डेवलप बाई विमेन लेट स्टार्टअप एस्ट्रॉम टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज टू सब अर्बन एंड रूरल एरिया आपको बताना है नाम लो कॉस्ट वायरलेस प्रोडक्ट का जो की वेमेन लेड स्टार्टअप जिसका नाम है एस्ट्रॉम उसने डेवलप कराया है जिसमें प्रोवाइड की जाएगी इंटरनेट सर्विसेज सब अर्बन और रूरल एरियाज में सो दीगा मैश ठीक है तो वो जो लो कॉस्ट वायरलेस प्रोडक्ट है उसका नाम है गीगा मैश गीगा से समझ जाओ गीगाइट आपने गीगा बाइट तो ये सब वही है पीटा बाइट टेरा बाइट मेगा बाइट जीटा बाइट सो गीगा इज गीगा बाई ठीक है गीगा मैच तो याद रखना और क्वेश्चन डेवलप करे विमेन लेड स्टार्टअप है ए ठीक है तो ये चीज याद रखना ये टाइप के क्वेश्चन है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से उठ के आ जाते हैं दो चीफ मिनिस्टर एंड दो यूनियन मिनिस्टर्स आर नॉट टू यू नो स्टैटिक पोर्शन बिकॉज दे कीप चेंजिंग ओके नेक्स्ट देखो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर एक्सपर्ट कमेटी टू ले डाउन गाइडलाइंस ऑन कटिंग ट्रीज फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स तो सुप्रीम कोर्ट ने सात मेंबर सेवन मेंबर की है जो गाइडलाइंस के लिए ऑन कटिंग ट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रीज की कटिंग के ऊपर गाइडलाइंस कुछ वो करिए सुप्रीम कोर्ट ने So, आपको बताना है, हु इज दिस कमिटी है जो सेवन की एक्सपर्ट कमिटी है इसको head कौन करेंगे? तो वो करेंगे रजनीत सिंह झाला जो कि इसको uh, head करेंगे committee को। तो याद रखना सेवन में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी कॉन्स्टिट्यूट uh, करी है ठीक है विद which कंट्री डिड इंडिया साइन फोर pacts टू सपोर्ट हेल्थ केयर under अंडर Assistance for फॉर ग्रास scheme? स्कीम तो इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने चार पैक साइन करे हैं हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को तो सपोर्ट करने के लिए अंडर ग्रैंड असिस्टेंस फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट स्कीम सो दैट इज ऑप्शन बी जापान के साथ करा है चार पैक साइन करे सो so, इंडिया जापान साइन फोर पैक्स टू तो सपोर्ट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट अंडर ग्रैंड असिस्टेंट फॉर ग्रास रूट प्रोजेक्ट जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जी, -जी ठीक है द टोटल अमाउंट टू बी डिस्पर्स फॉर द फोर प्रोजेक्ट्स इज अराउंड टू ट्वेंटी थ्री जीरो मिलियन यन दैट इज टू लैक सिक्सटी फाइव थाउजेंड डॉलर तो जो टोटल अमाउंट डिस्पर्स कराए इन चार प्रोजेक्ट्स के लिए चार पैटर्न एंड चार प्रोजेक्ट्स के लिए वो कराए ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री जीरो मिलियन यन तो यन इज करेंसी ऑफ जपैन जपैन करेंसी इज जपेन इज यंग येन तो 23.30 मिलियन येन ये तो जापान करेंसी के हिसाब से इसको अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी याद रखना टू लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड डॉलर ठीक है टू विच कंट्री डेड इंडिया डिलीवर ट्वेंटी थाउजेंड लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड टू फाइट लोकस स्वाम्प इनमें से किस कंट्री को इंडिया ने डिलीवर करे हैं ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार लीटर पेस्टिसाइड लोकस स्वाम से फाइट करने के लिए टू फाइट लोकस्ट स्वर्म्प सो दैट इज ईरान ऑप्शन बी क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा अगर इंटरव्यू भी दोगे किसी भी एग्जाम का तो इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते हैं ठीक है सो आफ्टर द रिसेंट रीशलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज इन दैबिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोजन टू पियूश गोयल तो जो अभी रीशफलिंग uh, हुई है पोर्टफोलियोज की कैबिनेट मिनिस्ट्री में तो आपको बताना है जो पीयूष गोयल है उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिला है सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव मतलब ये चारों ही पोर्टफोलियोस पीयूष गोयल के नाम पे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स सो राजकुमार सिंह जो है वो बने हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह देख लो अच्छे से सबके पोर्टफोलियो पीयूष गोयल जो है वो अभी बताए था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिला है कंज्यूमर अफेयर्स मिला है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है और टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री मिला है ठीक है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल किशन रेड्डी जी किशन रेड्डी जो है उनको मिला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ठीक है तो ये मिला है जी किशन रेड्डी को टोटल तीन पोर्टफोलियोज हरदीप सिंह पुरी जो है उनको मिला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड हर्बन अफेयर्स। तो हरदीप सिंह पुरी दो आ, बेसिकली होल्ड कर रहे हैं पोर्टफोलियोज एक तो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और दूसरा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मनसुख मंदाविया मंदाविया

तो हॉकी पे आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रॉफी है कौन सा कप है जो हॉकी से रिलेटेड है ठीक है या फिर ये कप किससे एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से इस तरीके से आपको आ, ये लोग पूछ सकते हैं मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं तो इसीलिए ऑलवेज फोकस ऑन कीवर्ड्स कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश बोन्यू बुक इज ऑफ एन एपिक बायो पोएम ऑन द लाइट ऑफ एशिया जो जयराम रमेश की एक न्यू बुक है ये एक बायोग्राफी है ऑफ एन एपिक बायो पोएम ऑन होम सो वो है गौतम बुद्ध बताने की जरूरत नहीं है आप सभी लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध कौन है ठीक है आ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसकी है तो याद रखना जयराम रमेश की ठीक है किसने ऑथर करा है जयराम रमेश ने ठीक है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है काफी को भी नहीं पता होता है तो बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जैसे बायोग्राफी है ये जीवनी किसी की ठीक है तो बायोग्राफी मतलब कोई और लिख रहा है किसी की जीवनी ठीक है मतलब किसी की लाइफ के बारे में कोई और लिख रहा है तो उसको तो हम बायोग्राफी बोलेंगे ऑटो का मतलब होता है खुद से लिखना तो अगर आप अपनी जीवनी को खुद लिख रहे हैं अपनी लाइफ को खुद आप लिख रहे हैं वहां पे एक बुक लिख रहे हैं अपनी लाइफ पे तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी ठीक है पोर्टफोलियो है जो किरेन रिजू है उनसे असोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो इज एसोसिएटेड सो द आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस

जो कोर्सेरा होता है आपने सुना होगा कोर्सेरा के बारे में तो कोर्सेरा की 2021 ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के हिसाब से इनमें से इंडिया का पोजीशन आपको बताना है एशिया में ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एशिया और किस में बताना है ये डेटा स्किल्स में रेप्टो टैलेंट डेटा स्किल्स सो द आंसर इज 16 यानी कि इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज 16 16 सो अकॉर्डिंग टू कोर्स एराज ट्वेंटी ट्वेंटी वन ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट द कंट्री रैंकटी सेवन ग्लोबली इन डेटा स्किल्स ठीक है जो इंडिया है उसका रैंक सिक्सटी सेवन तो है ग्लोबली ठीक है अगर हम ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड देखेंटी सेवन और अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया रैंक सिक्सटीन एशिया की बात करें तो इंडिया का रैंक सिक्सटीन बिलो सिंगापोर एंड जापान जो कि सिंगापुर और जैपान से नीचे है बट अब थाईलैंड एंड फिलिपींस पर थाईलैंड और फिलिपींस के ऊपर है इंडिया डिजिटल स्किल प्रोफिशियंजूड एट थर्टी एट परसेंट इंडिया का जो डिजिटल स्किल प्रोफिशियंसी है वो कितने पे है एट थर्टी एट परसेंट ग्लोबली इंडिया रैंक्स फिफ्टी फिफ्थ इन स्किल्स एंड इन टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस तो अगर हम ग्लोबली बात करें तो डेटा स्किल्स में तो सिक्सटी है स्किल्स की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज फिफ्टी फिफ्थ

डक्वार्टर ऑफ आई ई ए लोकेटेड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से दैट इज आई ई की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पन है वो तो राइज़ करेगा फोर पॉइंट फाइव परसेंट जबकि जो ग्लोबल डिमांड है वो आपकी रिबाउंड हो जाएगी बाय 3.5 परसेंट मतलब नेचुरल गैस कंजम्पशन तो राइज करेगा 4.5 बट ग्लोबल डिमांड कम हो मतलब ग्लोबल डिमांड जो है वो 3.6 ही होगी इन 2021 2021 में तो आपको बताना आई ई ए का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है कहाँ लोकेटेड है सो इट इज इन पेरिस फ्रांस ठीक है ऑप्शन सी पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है फॉलोड डेजिग्नेशन इज एसोसिएटेड विद एन वेनुदार रेडी एन वेनुदार रेडी के साथ कौन सीनेशन एसोसिएटेड है सो दल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ए आई आर ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल सो ऑल इंडिया रेडियो जिसको ऑफिशियली आकाशवाणी बोला जाता थावन ये फाउंड हुआ था नाइनटीन थर्टी सिक्स में उन्नीस सौ छत्तीस में ये फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू डेली में ठीक है यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थवरचंद गहलोत हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट वाइल बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड वाई हु बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ झारखंड एम सो सॉरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट थवरचंद गहलोत जो है वो गवर्नर बने इनमें से कौन सी स्टेट के जबकि आपको ये भी बताना है कि न्यू गवर्नर और नए गवर्नर झारखंड के कौन बने आपको पता है अभी काफ़ी रिशफलिंग हुई है ठीक है रिशफलिंग भी हुई है न्यू अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं तो गवर्नर वगैरह में भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ठीक है थीके? तो गवर्नर जो बने थवरचंद गहलोत वो बने हैं गवर्नर ऑफ कर्नाटक का ऑप्शन बी और नए गवर्नर जो बने झारखंड के वो बने रमेश बायस रमेश बायस जो है वो नए गवर्नर बने हैं झारखंड के

सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट लॉन्च द एमेजोनिया वन सेटेलाइट ऑफ ब्राजील एंड 18 को पैसेंजर सैटेलाइट इनटू स्पेस इनमें से कौन सा रॉकेट है जिसने लॉन्च करा है एमेजोनिया वन सेटेलाइट ब्राजील की और 18 को पैसेंजर सेटेलाइट को स्पेस में सो दैट इज पी सी फिफ्टी सी पी एस ये रॉकेट है ठीक है क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमेजोनिया वन सेटेलाइट कहाँ की है तो याद रखना की ये ब्राजील की है ठीक है नेक्स्ट इज विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव द लॉ टूटमेंट टू फूड एडल्ट्रेटर्स फूड एडल्ट्रेटर्स के लिए लाइफ अनप्रेजेंटमेंट का लाइफ टाइम इमप्रेजनमेंट का वो किसने दिया है अप्रूव किसने करा है लॉ तो दैट इज मध्य प्रदेश ऑप्शन ई ठीक है एम पी गवर्नमेंट ने करा है स्टेट कैबिनेट ने कराई बेसिकली सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल साइंस डे ऑब्जर्वड ऑन आपको बताना है नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है सो इट इज ऑब्जर्वड ऑन फेब्रवरी 28 तो हर साल नेशनल साइंस डे 28 फरवरी फेब्रवरी 28 को मनाया जाता है सो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फेब्रवरी ट्वेंटी एट अक्रॉस द नेशन टू मार्क एंड रेकग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट टूवर्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सो बेसिकली ऑब्वियसली साइंस डे है तो जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कराए उस चीज को रेकग्नाइज उस चीज उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रेकग्नाइज करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल साइंस डे इज हेल्ट टू कॉम्यमिनेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है एक हेल्थ टू कॉम्यमिनेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट जो रमन इफेक्ट था उसकी डिस्कवरी पे सो ऑन फरवरी 28 1928 सी, सर सीवी रमन डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट फॉर विच द फिजिसिस्ट वाज़ अवार्डेड द नोबल प्राइज इन 1930 सो so, 28 फरवरी को ही 28th फरवरी 1928 1928 को सर सीवी रमन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर करा था रमन इफेक्ट जो जिससे उस जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था ठीक है ही गॉट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 सॉरी 9000 हजार के डिओ उन्नीस में द थीम फॉर दिस इयर्स नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन इज इस साल की अगर हम थीम की बात करें यानी कि 2021 के तो ये अच्छे से देख लो फ्यूचर ऑफ एस टी आई इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क दिस वॉज दिस इज द थीम फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी स्किल्स एंड वर्क

कौन सी एक्सरसाइज है तो याद रखना इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज और ये इंडिया और यूएस के बीच में है सो लास्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर द मेंबर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हेडेड बाय एनएसए अजीत डोवाल इनमें से आपको बताना है की कौन से मेंबर member और मेंबर्स हैं ठीक है जो जो रिकॉन्स्टिट्यूट जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है उसके मेंबर्स हैं और वो बोर्ड कौन हेड कर रहा है तो वो हेड कर रहे हैं एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस बोर्ड को हेड कर रहे हैं सो आंसर इज ऑप्शन ऑल ऑफ द मतलब ये सभी हैं श्रीधर वेम्बू श्रीधर वेम्बू जो कि जोहो फाउंडर है के राधा कृष्णन जो की इसरो के चेयरमैन है अंशुमन त्रिपाठी जो कि फैकल्टी है आई एम बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अरुण के सिंह जो कि फॉर्मर एम्बेसिडर थे टू फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट जो फॉर्मर एम्बेसिडर रह है चुके हैं टू फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स

थीम ऑफ द ग्लोल बायो इंडिया बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन आपको थीम बताना है ग्लोबल बायो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो की यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनॉग्रेट करा तो वो उसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स इसका थीम था ठीक है और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है क्वेश्चन नॉर्मली ये भी आ सकता है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनोग्रेट करा तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है तो बता आपको याद होना चाहिए डॉक्टर हर्षवर्धन नेक्स्ट न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी इन रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी जो हाल ही में न्यूज में रही है वो कौन से इंडियन स्टेट में है सो दैट इज एन असम ऑप्शन बी तो वो है असम में वर्ल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन फेब्ररी टेन कौन सा वर्ल्ड डे फेब्रवरी टेन को ऑब्जर्व करा जाता है सो दैट इज वर्ल्ड पल्सर्स डे ऑप्शन सी इट इज ऑब्जर्व ऑन फेब्रवरी टेन ठीक है वर्ल्ड पल्सर्स डे सो वर्ल्ड पल्सर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन टेन ऑफ एवरी ईयर हर साल मनाया जाता है ये ज लेग्यूम्स पल्सेस को हम लेग्यूम्स भी बोलते हैं आर द एडेबल सीड्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स कल्टीवेटेड फॉर फूड तो ये एडेबल सीड्स लेग्यूमिनियस प्लांट्स की जिनको फूड के लिए कल्टिवेट करते हैं इन ट्वेंटी जनरल प्रोक्लेम टेंथ एज द वर्ल्ड पर्सर्स डे तो दो में ये जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम करा था कि टेंथ फेब्रवरी को वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेट करा जाएगा द थीम फॉर ट्वेंटी तो 2021 का जो थीम है वो है न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर

तो ये जो ऐप है उसका नाम है ई e वॉच और याद रखना कि कौन सी स्टेट के इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है ठीक है जरूरी नहीं आपको ऐसे ही पूछे आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में आ सकता है नेक्स्ट इज ट्वेंटी फोर्थ जेन इज ऑब्जर्व एज विच ऑफ द फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड ट्वेंटी फोर्थ जेन को क्या मनाया जाता है हर साल सो दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑप्शन ई इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ जैन को ठीक है इस बार का अगर हम थीम की बात करें 2021 का गेस्ट ईयर याद रखने थीम के ठीक है 2021 के थीम की बात करें तो वो है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड 19 जनरेशन दिस इज द थीम फॉर 2019 नेक्स्ट देखो गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्ग्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना इज अ बुक रिटन बाई दिस इज द बुक ठीक है बुक एंड ऑथर्स आर इंपॉर्टेंट और करंट एग्जाम मेन से तो आप समझ ही गए हो कि एक दो बुक ऑथर्स तो डेफिनेटली आने आपके एग्जाम में तो ये बुक है गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्ग्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना ये बुक किसने लिखी है तो ये बुक लिखी है रोमिला थापर ने ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रोमिला थापर सो आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो दिस इज पार्ट टू विद डेट so hope you people like it so if you like it hit the like button don't forget to share with your friends and don't forget to subscribe to the channel